प्रातः क्लास चल रहा था 28/11/1967 मंगलवार को पांचवें पेज की दूसरी लाइन में बात चल रही थी। दुनिया वालों की जो बुद्धि में कुछ भी नहीं है कि स्वर्ग कब आएगा, वो तो कहते हैं 40,000 वर्ष अभी कलयुग के पड़े हुए और तुमको स्वर्ग का पता है तो तुम कितना खुशी में रहते हो, क्योंकि तुम तो प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो ना स्वर्ग में जाने का, मनुष्य से देवता बनने का। कैसे? मनु की औलाद मनुष्य, तो संपन्न मनु कब कहेंगे है? तो यहां की बात है, लेकिन पूर्व कल्प में मनुष्य से देवता बने थे है? तो वो मनु कौन जिसकी औलाद बने थे देवता है? मनु मने मनुआ, तो उस मन को जो बड़ा चंचल है, कैसे चंचल है? अर्जुन के रथ में दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं है? अर्जुन के रथ में क्या दिखाते हैं? हनुमान। तो हनुमान की यादगार वो ध्वजा दिखाते हैं जिस रथ में भगवान प्रवेश हैं और इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब रथ में अभी इंद्रियां कंट्रोल नहीं हुई ना, नहीं हुई है, तो कहेंगे कि मन चंचल है या अचल है? चंचल है। चंचल है तो जो अर्जुन है, पतित मनुष्य है ना, तो उस पतित मनुष्य का जो रथ है उस रथ में वो दिखाया है ध्वजा के ऊपर विजय का झंडा दिखाया है, विजय का झंडा जो दिखाया है उसमें कौन दिखाया? हनुमान। तो वो चंचल मन कौन है जो मनु से है सालिम बुद्धि बन गया है? ब्रह्मा बाबा दादा लिख रहा है। तो वो मनुष्य है जो मनु की औलाद कहा जाता है, तो वो मनु तो वो हुआ है कौन? चंचल मन हनुमान। तो वो पहले मनुष्य से देवता बने, मनु से जो मन चंचल है उससे देवता बने। अब ये तो समझा ना बच्ची कि ये कहानी बाप ने समझाई है कि जो भी ड्रामा बना हुआ है ये है ही भारत के ऊपर। किसके ऊपर है? मनु के ऊपर नहीं है, है? मनुआ जो मनु से मनुष्य बनता है और सारे मनुष्य उसे मनुआ से ही जन्म लेते हैं। जो मनुष्य का बीज रूप है, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, वो किससे जन्म लेता है? किससे पता चलता है उसको
है ब्रह्मा से पता चलता है। ब्रह्मा के मुख में शिव बाप प्रवेश करते हैं है, तभी तो पता चलता है कि युति बिंदु आत्मा है। किसको पता चलता है? भारत को। क्यों नाम भारत दिया? क्योंकि भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी कहो, पवित्रता की रोशनी कहो। ज्ञान से पवित्र तो दुनिया में कोई चीज नहीं है ना, तो वो ज्ञान से पवित्र जो पवित्रता की आभा है, रोशनी है। जैसे और धर्म पिताओं में भी रोशनी देखने में आती है ना, चेहरे में रूहानियत देखने में आती है ना। हाँ तो बताया, वो रूहानियत सबसे जास्ती किस समय देखने में आती है? नारायण में देखने में आती है। लेकिन कब? नारायण का कनेक्शन, नारायण तो पहले पतित नर है ना, तो उसमें वो रोशनी कैसे आती है? वो आभा कहां से आती है? रूहानियत कहां से आती है? जो रूहानियत को पवित्रता का भंडार कहा जाता है, है? कहां से आती है? ज्ञान से आती है। अच्छा, तो ज्ञान का विस्तार तो बहुत हो जाता है। बहुत विस्तार हो जाने से आ जाती है वो रूहानियत है, वो तब ही आती। शिव प्रवेश करता है, और शिव को प्रवेश किए हुए तो 80 साल हो गए है, तो वो रूहानियत आई क्या किसी में है? जो धर्म पिताओं के वो तो अधूरे धर्म पिता हैं, जो द्वापर युग से आते हैं, परंतु ये तो सत्य सनातन धर्म का प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला धर्म पिता है ना। निराकारी स्टेज आती है, तो वो निराकारी स्टेज जो आती है वो कब आती है? जो साकारी बनेंगे है? साकार माने देवन, और निराकार माने देवन से परे विदेही, तो वो कब आती है? काम की बात में ये होता है, है? वो तब ही आती है प्रैक्टिकल में। बताया ना कि तुम तो प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो। लक्ष्मी से आती है, क्योंकि नारायण तो नर रूप में है, तो दुर्योधन दुशासन हुआ ना, तो उसमें है या नहीं है? वो अरे वो रूहानियत जो प्योरिटी में होती है, क्या पवित्रता कन्या में होती है या कंडुआ में होती है? किस में होती है? कन्या में पवित्रता होती है, तो वो तो ऑलरेडी है ना। किस कौन सी कन्या में? कन्याओं में से भी कोई कन्या गाई हुई है, हा जिसको कहते हैं वरों शंभु न तु रहो कुंवारी। ये किस समय का विरुद्ध है? ये विरुद्ध जो प्रतिज्ञा धारण की, किस संगम? पुरुषोत्तम संगम युग की। तो पुरुषोत्तम संगम युग में वो पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी कब से प्रत्यक्ष होते हैं? है 76 से दोनों है, दोनों प्रत्यक्ष होते हैं।
जिनमें वो आभा देखने में आए। आभा माने क्या? जो कन्याओं में जो पवित्रता होती है वो पवित्रता की खुशी देखने में आए। तो ये है ही भारत के ऊपर। जब भारत शब्द कहा जाता है तो भक्ति मार्ग में जो यादगार है वो किस भारत के लिए बोलते हैं? जय। भारत तो माता भी है और भारत तो पिता भी है। ऐसे तो थोड़े ही है कि माता कोई विधवा है। विधवा है, विधवा तो नहीं है। तो भारत माता की जय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? भारत पिता की जय क्यों नहीं बोलती? कहां की यादगार? अरे जय और विजय तो तभी ही होती है जब पवित्रता की पावर का क्या संग मिले। तो वो पवित्रता की पावर का संग जो मिलता है, तब कहा जाता है कि संपन्न हुआ। कोई भी पुरुष हो, कोई भी नर हो, भारत में तो ये मान्यता है क्या कि जब तक शादी नहीं हुई, गांठ नहीं जोड़ी गई, तब तक अधूरा है कि संपन्न है? है? अरे मन चलाए मन रहेगा या अचल हो जाएगा? हाँ, मन चलाए मन रहता है। तो बताया वो अचल तब ही होता है जब कोई कन्या के साथ गांठ जुड़ती। अब कन्या जितनी पवित्र होगी है, उतनी वो पवित्रता की पावर संग के रंग से आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो ये है ही भारत के ऊपर सारा ड्रामा। अब उसे भारत माता कह दो या भारत पिता कह दो, कहानी कहो, कथा कहो, बात एक ही। अरे रामायण की कथा कहो तो रामायण की कथा में निमित्त कौन है? रामायण की कथा का किसके ऊपर है वो रामायण की कथा बनती है? रामायण की कथा बनती है किसके द्वारा, किसके ऊपर निमित्त कौन बनता है? सीता निमित्त। अच्छा, महाभारत की जो कथा है उसका निमित्त कौन बनता है? द्रौपदी निमित्त बनती है। तो अभी तो निमित्त तो बनी ना। और ऐसे ही देवासुर संग्राम में, देवताओं में असुरों में युद्ध हुआ, कथा बनी ना, तो कौन निमित्त बनी? अरे लक्ष्मी निमित्त बनी। तो बताया कि वो भारत माता के ऊपर ये सारा ड्रामा है। अच्छा, वो भारत माता जय क्यों बोलते हैं? है? अरे वो कैसे जय जीत पाती है? अरे जीत पाती है कि बंधन में रहती है? जीत पाती है या बंधन में रहती है? है, बंधन में रहती है, नहीं रहती है। अच्छा, अग्नि के बंधन में नहीं रहती है? चलो रावण के बंधन में नहीं रहती होगी, क्योंकि दो सीताएं हैं, एक श्रीमत की लीका को उल्लंघन करने वाली और एक वो है जी श्रीमत की लीका को उल्लंघन तो नहीं करती है। ठीक है, जितनी जानकारी है उतना तो नहीं उल्लंघन करती है। अभी जानकारी तो उतनी होगी जितनी पढ़ाई पड़ी होगी,
बेसिक नॉलेज होगी तो बेसिकली ज्ञान होगा, और ऊंची पढ़ाई पढ़ी होगी तो गहराई से ज्ञान होगा, होगा कि नहीं? तो बताया कि भारत माता के ऊपर ये सारी कहानी है, भारत के ऊपर कहानी है, क्योंकि ड्रामा बनता है हमेशा हार और जीत के खेल से। क्या हार कब तक है? कब तक हार? जब तक प्योरिटी की पावर नहीं है, क्योंकि दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं ना। हार और जीत कैसे होती है? पवित्रता से होती है। तो पवित्रता की पावर जो है वो आती है कन्याओं से, उनको शिव की शक्तियां कहा जाता है, कि पांडवों को कहा जाता है, है? पांडवों को नहीं, शिव की शक्तियां, सत्ता नहीं। तो वो इसलिए कहा जाता है कि वो जब तक है उस मैदान में न कूदे। कौन सा मैदान? किसके साथ ही बने? नहीं, ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र कुछ भी नहीं है। तो आभा तो है, पवित्रता तो है, लेकिन क्या वो ज्ञान भी गहराई से है जो एक से आता है? है वो ज्ञान है, फिर बंधन में क्यों है? जो कामी और क्रोधी हैं, काम अग्नि वाले हैं और क्रोध अग्नि वाले हैं, उनके अंदर भी कंट्रोल क्यों? क्यों? क्योंकि ज्ञान, असली जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान की गहराई नहीं है। और वो ज्ञान की गहराई कब आती है? वो आती ही तब है कि कोई कहे दूर दूर रह करके ज्ञान हो जाए। क्या दूर बात खुशबात से ज्ञान हो जाए तो हो जाएगा? हाँ नहीं, पढ़ाई भी तीन प्रकार की बताई ना। अव्वल नंबर पढ़ाई है सन्मुख। अरे सन्मुख पढ़ाई अव्वल नंबर, और द्वयम नंबर सन्मुख नहीं तो टैप रिकॉर्डर टीवी से है, और थर्ड क्लास कागज में पढ़ लिया, सुन लिया, सुनाई लिया, तो वो है थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास जो पवित्रता आएगी वो कौन से ज्ञान से आएगी? है सन्मुख सुनेंगे तो वो पवित्रता की पावर आएगी, ज्ञान की आएगी। बाकी ऐसे नहीं कि वो ज्ञान पूरा धारण हो जाएगा प्रैक्टिकल जीवन में। धारण कब होता है? धारण तभी हो सकता है जब संग का रंग मिले। किसके? साकार में मिले या निराकार में मिले? साकार में मिले या निराकार में मिले? अरे पवित्र दुनिया बनेगी तो पवित्र दुनिया जो बनेगी वो निराकारी दुनिया को पवित्र दुनिया बनेगी, या दुनिया साकार होगी? साकार होगी ना, विष्णु रूप कहा जाता है, वैष्णवी कहा जाता है, तो दिखाते तो साकार है ना। तो बताया ये हार और जीत तभी होती है जब वो पवित्रता की पावर और वो ज्ञान की पावर है दोनों का मेल होता है। तो बताया तो जीत हो जाती है।
तो बरोबर तुम समझाना कि बरोबर माया ते हारे हार। क्या माया से हार कब तक होती है? जब तक वो प्रैक्टिकल में संग का रंग है, पुरुषार्थी जीवन में नहीं मिला है तो संग का रंग न मिलने के कारण, अरे हत तेरी गीत, न मिलने से क्या होता है? है क्या होता है? हार होती है। और प्रैक्टिकल में संग का रंग मिले तो जीत होती है। तो बताया माया पर जीते जीत, माया कौन है? माया वो पवित्र कन्या को माया कहेंगे है, या जो अपवित्र कन्या है नंबरवार उनको माया भी कहेंगे है? है, अपवित्र कन्याओं को माया भी कहेंगे। तो बताया कि माया भी बड़ी बलवान है, शक्तिवान है या नहीं? वो भी बलवान है, क्योंकि उसके पास से मायावी दुनिया में मायावियों का संगठन की पावर ज्यादा है या थोड़ी है? ज्यादा है। तो जो माया का विस्तार है वो विस्तार खलास होना चाहिए या नहीं खलास होना चाहिए? सार है पवित्रता और निस्सार तो ढेर हो जाता है। जैसे भोजन खाते हैं तो उसमें से सार निकलता है, है? क्या भोजन इतना खाते हैं उसमें से सार क्या निकलता है? खून सार निकलता है। अरे खून तो शरीर में ढेर सारा होता है, उसका भी कोई सार होता है कि नहीं? क्या हाँ, रज और वीर्य है हाँ। तो बताया रज रजो प्रधान से कनेक्ट है और वीर्य सत्त से कनेक्ट है। सत्त है या उसमें कुछ असत्य है? सत्व है, एकदम सार है। तो बताया कि जब तक वो रजस रूप देह का रूप, क्योंकि देहभान कब से शुरू होता है? द्वैतवादी द्वापर युग से शुरू होता है ना। तो देह नहीं है तो आत्मा काम करती है क्या? कुछ न कुछ अंश मात्र देह का रहेगा ना। अरे शिव भी एक में प्रवेश करता है, तो जिसमें प्रवेश करता है उसमें वो प्रवेश करने वाला है परम पुरुष, है ना? और किस में आता है? प्रकृति में। प्रकृति को माता कहते हैं ना। तो प्रकृति के भी दो रूप हैं, क्या? एक है कर्म इंद्रियों का रूप और एक है ज्ञान इंद्रियों का रूप। श्रेष्ठ कौन सा है? तो ज्ञान इंद्रियों का श्रेष्ठ रूप है, इसलिए ज्ञान इंद्रियों की जो सृष्टि है वो स्वर्ग कही जाती है और कर्म इंद्रियों की जो सृष्टि है वो टोटल देह हो गई। लेकिन क्या स्वर्ग में देह नहीं होती है? होती है या नहीं होती? होती तो है, लेकिन वो जो देह के ज्ञानेंद्रियों के अंग है ना, हा उन अंगों में आत्मिक स्थिति समाई हुई रहती है। क्या
जो कर्म इंद्रियां हैं उनमें आत्म की स्थिति ना के बराबर। तो बताया वो दोनों का भी मेल चाहिए। क्या प्रकृति के जो दो रूप हैं कौन कौन से? एक श्रेष्ठ प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। आ माने नहीं, परा माने परे थे, परे रहने वाले। तो बताया दोनों का मेल चाहिए। दोनों का मेल होता है तो वो परम ब्रह्म कहा जाता है। क्या क्या? जो पृथ्वी का रूप है, जो विस्तार को पाती है द्वापर युग से, पाती है कि नहीं? तो क्या वो सत्युग में नहीं होती? होती है ना, लेकिन सार रूप में होती है ना, कि विस्तार रूप में होती है? सार रूप में होती है। लेकिन चाहिए तो ना थोड़ा तो। वो अगर प्रैक्टिकल में ये सृष्टि चाहिए तो देह भी चाहिए और वो आत्मिक स्थिति वाली जो परा प्रकृति है वो भी चाहिए। तो अभी माया किसको कहा जाता है? अभी माया उसको कहा जाता है जो पूरा पूरा कर्म इंद्रियों से कनेक्टेड है। कर्म इंद्रियों का सुख ज्यादा खींचता है। स्वर्ग में तो कर्म इंद्रियों का सुख नहीं खींचता। तो कभी तो मनुष्य कहते अरे इनके पास माया बहुत है, यानी धन बहुत है। वो धन किससे कहते हैं? धन कहां से आता है? कहते लक्ष्मी से आता है। तो माया बहुत है तो वो धन कहां से आया? लक्ष्मी से आया ना। हा अरे है ना, कहते हैं माया को धन समझ लेते। नहीं तो धन को तो संपत्ति कहा जाता है ना। हा भाई इनके पास संपत्ति बहुत है। पर कहो बहुत माया है, इनको तो माया का नशा है, है? तो रावण को काय का नशा था? अरे रावण के पास जनबल की माया थी ना, धनबल की भी थी ना, भले जोर जबरदस्ती करके हिंसा करके धन इकट्ठा करता, दिखाते थे, दिखाते हैं ना। हा कहते रावण ने जो धनपति है ना कुबेर, उससे सारा धन छीन लिया जबरदस्ती, आंखें दिखा के लाल लाल। वो बेचारा डर गया। तो देवात्मा है, देवात्मा लड़ाई तो लड़ेगी? नहीं लड़ती। ओ तो चाहे जो कुछ भी होता है चलो हम बाप को शिकायत करेंगे, इसने हमारा सारा धन हमारे अंडर में था वो सारा छीन लिया। तो देखो माया का नशा रावण को रहता है। भाई ये भी कोई बात है, है? कि धन का नशा? अरे अरे वो धन जो आता है वो कर्मेंद्रियों से कमाई कमा के जो कर्मेंद्रियां हिंसक बनती हैं उनसे आता है या अहिंसा से आता है? है? हाँ हिंसक बनती है। पांच विकार रूपी माया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कब पैदा होते हैं? जिन इंद्रियों में ज्ञान भरा हुआ है उनसे पैदा होते हैं या कर्म इंद्रियों से पैदा होते हैं? देहभान है तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, ये है माया। तो
उस माया का नशा है, तो वो माया तो बेचारा जन्म है ना, क्या जन्म माने नरक। तो ये भी किसी को मालूम नहीं है, है कि वो नशा जो है पांच विकारों का, वो जहन्नुम का नशा है। उसमें जो नशा चढ़ता है वो संपत्ति का नशा है, है ये शरीर प्रकृति का बना हुआ है, क्या चाहे ज्ञान इंद्रियां है और चाहे कर्म इंद्रियां है, दोनों प्रकृति का रूप है ना। हाँ, ज्ञान इंद्रियों को श्रेष्ठ इंद्रियां कहेंगे और कर्म इंद्रियों को भ्रष्ट इंद्रियां कहेंगे, देह का भ्रष्ट रूप। तो ऐसे ही ये जो पूरा ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों का जो समुच्चय है उसको कहा जाता है प्रकृति। कैसी कृति? कृति माने रचना, प्रकृष्ट रचना। तो जो प्रकृति का बना हुआ शरीर है, ओ, उस शरीर को माया कहा जाता है क्या? है शरीर को माया नहीं कहा जाता? नहीं। अच्छा, शरीर माने देह, देह का भान कब होता है? जब आत्म की स्थिति आठ कला से कम हो जाती है तो देह का भान बढ़ जाता है। स्वर्ग में आठ कला से ऊपर रहती है आत्म की स्थिति या नीचे जाती है? ऊंची रहती है। तो उसे माया नहीं कहे। तो बताया, ये धन संपत्ति जो आती है ना, जो नशा रहता है, कर्म करो तो धन मिलेगा, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं तो समझते हैं धन मिलता है। अच्छा, मन बुद्धि ये कर्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, क्या है? दोनों है? दोनों ही नहीं है। तो मन बुद्धि से कोई काम नहीं हो सकता है? कर्म इंद्रियों से ही, ज्ञान इंद्रियों से ही कुछ होता है क्या? मन बुद्धि से कुछ नहीं होता? अरे, अगर मन बुद्धि से नहीं होता तो शिव बाप मन और बुद्धि दोनों को इकट्ठा क्यों कर देते हैं? मन माने मन हुआ, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म, और बुद्धि माने तीसरा नेत्र जिसमें प्रवेश करते हैं कौन? बुद्धिमानों की बुद्धि। तो उसको भी बुद्धि मिलती है कि नहीं? संकीर्ण से मिलती है। तो वो बुद्धि, बुद्धिमानों की बुद्धि से मिला हुआ जो त्रिनेत्री है, पैदा हुआ ना उससे, तो वो त्रिनेत्री बुद्धि रूप जो कहा है गीता में भी, क्या इंद्रियों से प्रबल मन है और मन से प्रबल बुद्धि है और बुद्धि से भी प्रबल वो है कौन? वो मैंने ऊपर की तरफ इशारा किया, जो ऊपर से आता है कि नीचे से आता है या यहीं से पहले से ही था? नहीं, तो कह देते हैं कि सारा व्यापी है, वो तो झूठ बात है, है? वो जो ऊंचे से ऊंची शक्ति है, ऊंचे से ऊंचा भगवंत जिसे कहा जाता है, वो शक्ति तो ऊपर से आती है ना। हाँ, तो बताया ये मन और बुद्धि दोनों मिलते हैं, है? तब क्या होता है? तब नई दुनिया स्वर्ग तैयार होती है, श्रेष्ठ दुनिया।
तो वहां क्या संपत्ति नहीं होती? होती तो है, लेकिन देह या कर्म इंद्रियों की पैदाइश नहीं होती। अब समझ में आया कि संपत्ति तो उसे कहा जाता है जिससे सुख और संपत्ति आती है। तो ऐसे सुख और संपत्ति तो स्वर्ग में भी होती है, बाकी ऐसे सुख के पिछाड़ी कोई माया थोड़े ही कही जाती है, कि को वो माया की दुंब लगी पड़ी है, माया का बंधन है। जैसे माता पिता होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो बच्चे पैदा हुए तो दुंब लग गई ना, माता को तो वो दुंब पूरा ही बांध लेती है। बांधती है कि नहीं? बांधती है। थोड़ा बहुत तो बाप को भी बांधती है कि नहीं? बांधती है कि नहीं? बांधती है। बाप थोड़ा सख्त होता है, कंट्रोल में नहीं है, तो वो तो फिर उसमें बंधन में उसके रहता है। बाप है तो, और बाप नहीं है असली, तो बात दूसरी है। तो बताया सुख के पिछाड़ी कोई माया थोड़ी ही कही जाती है। माने स्वर्ग में सुख है कि नहीं, तो उसके पिछाड़ी वो माया का दुंब लगा हुआ होता है क्या? कोई बंधन है वहां? बाल बच्चों का बंधन रहता है? नहीं रहता है, नहीं रहता है। बताया ये माया तो दुश्मन है, और बहुत भारी दुश्मन है, है? तो वो कहते हैं जिसके पास धन माया बहुत है, वो पांव के ऊपर डांस करते हैं, पैरों पर, ऐसे कहते हैं। तो पैरों पर डांस है? पैर नीची चीज है या ऊंची चीज है? नीची चीज। तो पैरों पर डांस जिसके पास माया सो क्यों नहीं करते हैं? हाँ। देखो कृष्ण को हमेशा दिखाते हैं ना, वो तो सबसे साहूकार है और सबसे देखते हैं सदैव डांस ही करते हैं, ऐसे है ना? क्योंकि उनको तो पैसे बहुत है ना, धन संपत्ति ढेर। देखो बाबा कैसे समझाते हैं, जैसे छोटे प्रजा होते हैं ना, प्रजा छोटे या राजा छोटे है? या प्रजा के ऊपर अधिकारी छोटे है? प्रजा छोटी, प्रजा बड़ी रोटी है, राजा राज करता है, तो प्रजा होते हैं ना बच्चे, समझते हैं इनके पास बहुत पैसे हैं। प्रजा वर्ग में कोई कोई के पास बहुत पैसे होते हैं कि नहीं? होते हैं ना? हाँ। जैसे कि कोई बच्चे के लिए कहता हो ना, देखो इन लोग के पास बहुत पैसे हैं, अरे ये किसके बच्चे हैं, इन्होंने ये धन कैसे पाया? सो तुम बैठ करके समझते हो क्या कि तुम तो खुद ही बनते हो, है? तुम ये लोग साहूकार जो धन वाले हैं, तुम बनते हो या नहीं बनते हो? अरे तुम सामने बैठने वाले जो बीज रूप आत्माएं हैं,
उनके भी कोई बीज हैं दुनिया में है? चलो एक बीज है, फिर वो तो साकार बीज है, तो उस साकार का बीज कोई और है दुनिया में? वो तो नहीं है। तो तुम तो खुद ही बनते हो ना है? तुम ये लोग बनते हो क्या? लोग साहूकार लोग बनते हो। तो तुम मनुष्यों से देवता बन जाते हो ना? मनुष्यों के पास तो क्या होता है, कोई मनुष्य गरीब होगा तो कोई मनुष्य साहूकार होगा, कि सब एक जैसे नहीं। तो तुम तो देवता बन जाते हो। देवताओं के पास कोई देवता ये कहेगा मेरे पास कमी है, हाँ जितना जरूरत है उससे भी जास्ती भरपूर रहता है। तो मनुष्य से देवता बनते हो तो तुम्हें इन मनुष्यों से भी ऊंचे बनते हो ना? तो तुम लोग ये बनते हो, क्या बनते हो? ये लक्ष्मी नारायण जैसे जो विश्व के मालिक बनते हैं, तो बाप बेहद का बाप मालिक है ना, तो उनके वातावरण भी तो ऐसा ही होगा ना है? वातावरण माने मालिक है, तो उनके साथ जो वातावरण बनाने वाले होंगे, संघ में रहने वाले होंगे, संघ से संगठन से वातावरण बनता है कि एक से बनता है, है? संगठन से वातावरण बनता है ना, हाँ? तो उनके वातावरण भी तो ऐसा ही श्रेष्ठ होगा ना? श्रेष्ठ आत्माओं का संग होगा या नीच आत्माओं का संग होगा? श्रेष्ठ आत्माओं का संग होगा। तो जैसे कि बच्चों को समझाते हैं, तो तुम समझते हो ना ये आखानी है, है राम रावण की आखानी, कौरव पांडव की आखानी, ये आखानी समझाते हैं ना बच्चे। तो मनुष्य ऐसे नहीं कह सकते भाई लॉन्ग लॉन्ग एगो हम तुमको एक आखानी सुनाते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग लॉन्ग एगो की बात जानते ही नहीं। कितना लॉन्ग एगो कुछ बताते हैं, और लाखों वर्ष उन्होंने सृष्टि को लगा दिया, तो लॉन्ग लॉन्ग का हिसाब ही पूरा नहीं बता सकते। तो ऐसे कहते हैं ना लॉन्ग लॉन्ग एगो। अभी लॉन्ग लॉन्ग एगो कोई इनको कहेंगे कि लाखों वर्ष एगो है? अरे लाखों वर्ष की कोई आखानी किसको याद आती है क्या? लंग लंग कहानी है, कथा है, तो वो याद रहती है, तभी तो कोई कथा सुनाता है नहीं। तो वो लाखों वर्ष की बात नहीं है, लाखों वर्ष का मनुष्य है ही नहीं है, है? मनुष्य कितने वर्ष का है? है अरे जिसका मन चलाए मान होता है वो मनुष्य कितने वर्ष का है? अरे ज्यादा से ज्यादा हाँ 5000 साल का। अच्छा वो मनुष्य है, 5000 साल का मनुष्य है जो मन के बंधन में रहता है, जिसका मन चंचल होता है उसे मनुष्य कहा जाता है। वो 5000 साल से चंचल मन के बंधन में है। फिर क्यों बताया 5 है? हाँ 2500 साल से मन के बंधन में। कब से? जब से ये विधर्मी धर्म पिताएं आए विदेशी, तब से। पहला पहला कौन आया? इस्लामी आया। तो इस्लामी जब आया तो वो चंचल मन वाला था क्या? था। अरे सात्विक था के चलायमान था, रजो प्रधान था? नहीं। तो बताया कि पहले पहले जन्म में तो कोई भी आत्मा, कोई भी धर्म पिता भी हो,
या उनके फॉलोअर्स भी हों, जब भी आते हैं तो सात्विक होते हैं, उनमें चंचलता कहां से आई? चंचलता होगी, जिसे क्राइस्ट के लिए भी बताया, पहले विकार की चेष्टा थी है? नहीं थी, तो बताया मनुष्य लाखों वर्ष का नहीं है। हाँ, ये कहें कि देवताओं का राज्य था तो लाखों वर्ष का था, वो भी नहीं था, कहेंगे 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। मनुष्य तो तब ही होते हैं जब देव आत्माएं जो हैं इस सृष्टि पर 8 कलाओं से नीची बन जाती है। चंद्रमा की 16 कलाएं होती है ना, चंद्रमा भी तो बहुत चंचल है ना नक्षत्रों के बीच में, नहीं कैसे चंचल है? जैसे पृथ्वी है, सूर्य का चक्कर लगाती है, जैसे और ग्रह हैं, नवग्रह है ना, सूर्य का चक्कर लगाते हैं ना, लगाते हैं, लेकिन उन ग्रहों के जो उपग्रह हैं वो भी चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो इतनी तीव्र गति से चक्कर नहीं लगाते हैं जितना तीव्र गति से ये चंद्रमा चक्कर लगाता है। तो बहुत चंचल हुआ ना, हुआ ना। हाँ, तो उसकी 16 कलाओं से जब 8 कला रह जाती है, या उस चंद्रमा या चंद्रवंश के फॉलोअर्स की 8 कलाएं रह जाती हैं, है? और 8 से भी नीची हो जाती है, तो फिर चंचलता आएगी या नहीं आएगी? चंचलता आ जाती है, देवातों है? आती है कि नहीं आती है? तो बताया लाखों वर्ष तो देवताओं को भी नहीं कह सकते जो 16 कला संपूर्ण होते हैं, है? मनुष्यों को कहेंगे 8 कला जास्ती से जास्ती, नहीं तो नीची कला के बनते जाते हैं। 8 कला से ऊंचे तो कोई होते ही नहीं। 2500 वर्ष से जब से ये द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं, और ये द्वैतवादी बनते कैसे हैं? बिना संग के रंग के, संग का रंग लगता है तब नीचे गिरते हैं कि बिना संग के रंग के? किसके संग में आते हैं? वो ही देव आत्माएं जो स्वर्ग में थी, 8 कला से ऊपर थी, है ना? हाँ, चलो कौन है 8 कला हो, 7.5 हो, तो वो जो स्वर्ग में थी वो ही नीचे उतरते, सुख भोगते भोगते क्या 8 कला से नीची बन जाती है, तो उनके संग के रंग में आते हैं, तो फिर देवता बनेंगे? देवता तो नहीं बन सकते, उनसे नीचे ही बनेंगे या ऊंचे बनेंगे? नीचे ही बनेंगे। तो बताया ये तब से कहा जाता है मनुष्य चंचल मन वाला मनुष्य है। कौन मनु? मनुष्य मनु की औलाद। तो पहले पहले ये जो 2500 वर्ष में है, पहले पहले चंचल मन वाला कौन बना? हाँ, कहेंगे ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म, वो ही बना ना। लेकिन ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का भी कोई बाप है या नहीं? हाँ? नहीं है, है। वो चंचल बुद्धि तो बाप, बाप चंचल बुद्धि नहीं? हाँ? है? बाप लास्ट में चंचल बुद्धि क्यों? कैसे? क्योंकि वो किसी के संग के रंग से प्रभावित होने का संस्कार उसमें है, संगम युग में नहीं पड़ा। जब संपन्न बना तो कैसा संपन्न बन गया? किसी से प्रभावित होने वाला? जैसे शिव किसी से प्रभावित नहीं होता, वैसे वो ज्ञान चंद्रमा तो है,
संपूर्ण चंद्रमा भी बनता है 16 कलर संपूर्ण सतयुग में, लेकिन हाँ लेकिन वो आत्मा जो है धीरे धीरे नीचे उतरती है, है? आत्म की स्थिति में कोई आत्मा है तेजी से नीचे उतरती है, भ्रष्टों का ज्यादा संग का रंग लेती है, और कोई आत्मा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बीज रूप आत्माओं के संग में ही रहती है। तो जो बीज जो रुद्राक्ष कहे जाते हैं, वो रुद्राक्ष की माला किसकी माला है? शिव बाप कहते हैं, शिव ज्योति बिंदु बाप जो सदा शिव है वो क्या कहते हैं है? ये बाप की सुवर्णी की माला है, है? क्या ऊंचते ऊंच बाप की माला है या उससे जो नीचा है? ऊंचते ऊंच बाप ज्ञान सूर्य, तो ज्ञान सूर्य से जो रोशनी लेता है वो तो चंद्रमा लेता है ना, तो वो तो नीचा हुआ या ऊंचा हुआ? हा? नीचा हुआ। तो उस ज्ञान सूर्य से पहले पहले रोशनी कौन लेता है? हा? अरे कोई लेता है कि नहीं लेता है? अरे कौन सी आत्मा लेती है? चंद्रमा। अब यहां तो दो चंद्रमा हो गए, एक तो ज्ञान चंद्रमा दादा लेखराज ब्रह्मा जो साकार में है और साकार मनुष्य सृष्टि के बाप से लेता है रोशनी, और वो चंद्रमा भी है चंचल भी है, तो जो चंचल है उसका बाप कैसा होगा? चंचल ही हुआ ना, तो वो भी तो चंद्रमा हुआ ना, इसलिए भक्ति मार्ग में यादगार है, है? कृष्णचंद्र भी कहते हैं तो रामचंद्र भी कहते हैं, दोनों चंद्रमा बनते हैं कि नहीं? और बाप ने तो बता ही दिया, क्या बाप जिस मुकर रथधारी में प्रवेश करते हैं उसे बता ही दिया, क्या दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती, माने तू चंद्रमा भी है क्या? औरों का मन जास्ती चंचल होता होगा और तेरा मन ये हो सकता है कि सबसे कम चंचल बने, धीरे धीरे चंचल बने। तो बताया हाँ, मां का पार्ट बजाता है परम ब्रह्म के रूप में, वो तो संगम युग की पुरुषोत्तम संगम युग की बात है, वो नहीं बजाता, उसके अंदर शिव सुप्रीम सोल ही प्रवेश करके बजाता है परम ब्रह्म का पार्ट है, या वो खुद बजाता है सहनशक्ति का पार्ट है? हाँ वो ही बजाता है, तो उसी को कहा जाता है तुम एव माता च पिता तुम्हें, वो बहुरूपीय है कौन? शिव कभी पुरुष का रूप धारण करता कभी स्त्री चोले का रूप धारण करता, प्रवेश तो कर सकता है दोनों में नहीं? हाँ तो बताया उस चंद्रमा को, चंद्रमा जब चंद्रमा वो एवरलास्टिंग चंद्रमा बीज रूप चंद्रमा है? सब चंचल बुद्धि मन बुद्धि मन वालों का बाप वो चंद्रमा जो बीज है, तो वो पुराने से पुराना है या बीच वाला या बाद वाला है? पुराने से पुराना है, तो वो मनुष्य नहीं बनता? बनता है, लेकिन जब बाप उसमें प्रवेश करते हैं तो आप समान बनाए देते हैं। आप समान माने सूर्य है तो क्या बनाता है? जैसे गीता में लिखा है मैं आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? जो संसार में सूर्य कहा जाता है उसको ज्ञान देता हूं, इसलिए राम की आत्मा को
सूर्यवंशियों में सबसे जास्ती पावरफुल कहते हैं, कहते हैं ना। बाबा भी बताते हैं क्या राम बाप को कहा जाता है कि कृष्ण को कहा जाता है, राम बाप को कहा जाता है। कैसा बाप? बेहद का बाप, जिसका कोई कोई बाप। तो वो राम साकार या निराकार? साकार। और निराकार तो राम बनता तो है, लेकिन अपने आप बनता है कि कोई बनाने का रास्ता बताता है तब बनता है, है? अरे हाँ, कोई ना कोई बताता है। कैसे बताता है? वो कैसे सुनता है फिर वो रास्ता? अरे किसी साकार से नहीं सुनता, उसके साकार शरीर में मुकर्रर रथ में वो सुप्रीम सोल स्वयं ही प्रवेश करता है, और मन से मन की पूछ रहा है, मन का भेद छुपाए। क्या सारा मन का भेद खोल देता है क्या? मन माने चंद्रमा, मनुआ माने चंद्रमा। तो जो अब्बल नंबर बीज रूप मनुआ है उसके 84 जन्मों का पार्ट सारा एकदम खोल देता है क्या कि धीरे धीरे खोलता है? अरे लॉटरी खुलती है तो एकदम किसी को पूरी लॉटरी दे दी जाती है कि धीरे धीरे दी जाती है? हाँ धीरे धीरे दी जाती है। तो बताया वो पुराने थे पुराना है, या देखो ये पुरानी बातें हैं ना, है? तो वो पुराने थे पुराना, उसको लाखों वर्ष नहीं हुए। क्या किस बात में? चंद्रमा की स्थिति को क्रॉस करके सूर्य बनने में लाखों वर्ष हुए हैं? लाखों वर्ष नहीं हुए। हाँ ये पुरानी बातें हैं, जैसे ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ना, ये सदैव पुरानी चीजें मांगते हैं। क्यों है? क्यों मांगते हैं? अरे ये नई नई बातों को खोज करते रहते हैं ना, रिसर्च करते हैं ना, इनकी बुद्धि तीखी होती है कि नहीं? हाँ तो रिसर्च में तो यही बताया जाता है कि कोई बात की गहराई को पकड़ना हो तो एकदम उसके शुरुआत में चले जाओ, गहरे 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 घुसते चले जाओ। तो क्रिश्चियन से भी पुरानी चीज मांगते हैं। अभी थोड़ा विचार तो करो, पुरानी थी पुरानी चीज इस दुनिया में क्या होगी? है? क्या होगी बता, क्या होगी? चीज है ये कोई? चीज साकार होती है। पुराने थे पुरानी चीज है परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? है? तो मां भी है, आत्मा तो है लेकिन मां भी है और बाप भी है, उसकी यादगार है लिंग जो मंदिरों में दिखाया जाता है। एक लिंग दिखाते हैं या दो लिंग दिखाते हैं? एक लिंग दिखाते हैं। अगर दिखाते भी हैं कोई तो दूसरी तो लिंग ही दिखाते हैं कि लिंग दिखाते हैं? हाँ अरे उसे कहते हैं जलाधारी। क्या वो जल को धारण करने वाली है प्रैक्टिकल जीवन में? कौन है? छोटी लिंगी, लेकिन विशेषता क्या है? ज्ञान जल को प्रैक्टिकल जीवन में अरे धारण करने वाली है या नहीं है? धारण करने वाली है। और लिंग, जो लिंग यादगार है वो ज्ञान तो लेता है एक से, ऊंचे से ऊंची भगवंत से ज्ञान तो लेता है, लेकिन ज्ञान लेकर के उसका विस्तार भी कर लेता है।
विस्तार करने के बावजूद भी क्या प्रैक्टिकल जीवन में टिकता है, टिक पाता है? वो नशा चढ़ता है जो सार बताया ज्ञान का क्या है, तुम आत्मा ज्योति बिंदु। उस ज्योति बिंदु की सार रूप में 24 घंटे टिकता है, नहीं टिकता। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि ज्ञान है पढ़ाई, वो ईश्वरीय पढ़ाई, दुनिया भी पढ़ाई तो नहीं है, तो वो पढ़ाई भी ऐसे नहीं कि पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए, समझने समझाने के लिए है, नहीं। किस लिए? प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने के लिए है। तो वो पुरानी की पुरानी चीज है, क्या हुई कहेंगे परम ब्रह्म। तो वो परम ब्रह्म भी है और परमात्मा भी है या नहीं? परमात्मा भी है, लेकिन पहले परमात्मा या पहले परम ब्रह्म? पहले परमात्मा। आत्माओं के बीच में जो भी भोगी आत्माएं हैं उनके बीच में परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी आत्मा। हीरा क्यों कहा? हीरे से, हीरे के मानिंद बताया कि जैसे हीरे में चमक रहती है, धूल में भी डाल दो, रात में भी डाल दो, असली हीरा होगा तो एकदम अंधेरे कमरे में रख दो तो रोशनी मारेगा कि नहीं है? मारेगा। तो ऐसे ही बताया कि वो ज्ञान की रोशनी जो है वो उसे साकार रूप हीरे में रहती जरूर है। कब? जब ज्ञान सूर्य बाप जो असली ज्ञान सूर्य है, सदा डिटैच रहने वाला, वो उस मुकरर रथ में प्रवेश करता है तो उसमें वो ज्ञान का भंडार जो आता रहता है वो ऐसे नहीं कि और दूसरी आत्माओं के अंदर आज आता है और कल पता नहीं कहां लुप्त हो जाते हैं, भाग जाते हैं, डटे रहते हैं, माया खा जाती है, हप कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है या छोड़ देती है। माया किसी को, अरे छोड़ दिए, किसी को नहीं छोड़ती। तो बताया वो है पुरानी थी पुरानी चीज। क्या है पुरानी थी पुरानी चीज? जो माता के रूप में भी पूजी जाती है और पिता के रूप में भी पूजी जाती है। ओम श्री।